समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। डर के जीना पड़ रहा है, कहाँ से निकले कहाँ से घुसे। घर में बूढ़े माँ बाप है, छोटा बच्चा है मेरा। जब आदिवासी सरकार के होते हुए आदिवासी महिला के हमारे घर पे, आदिवासी लोग के घर पे ऐसा हो रहा है तो फिर हम सरकार से क्या उम्मीद लगा सकते हैं। शाम में जब आई मैं तो देख रही हूँ यहाँ पे सब गुंडे घुसे हुए हैं। मेरे वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हमने चेक किया, देखा ये लोग दोपहर में 12:30 बजे से घुसे हुए हैं। जो हमारे घर में घुसे हुए हैं उनसे हम लोग कुछ खतरा का एहसास हो रहा है। कभी भी हम लोग साथ कुछ अनहोनी करे, सुरक्षा किए जाए, उन लोग को यहाँ से इमीडिएटली हटाया जाए। जमीन माफियाओं के आतंक से परेशान रांची के डॉक्टर अर्चना नूपुर खलखो ने प्रशासन से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि माफियाओं ने मेरे आवासीय परिसर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर खुलेआम कब्जा कर लिया है। वहां शराब और गांजा का सेवन कर भय का माहौल बनाकर मेरी पैतृक भूमि पर कब्जा किया गया है। इनको ना प्रशासन का डर है और ना ही किसी और का। उन्होंने कहा कि 3 मई 2024 को 10 लोग दोपहर 12 बजे को राकेश राम, श्रवण गड़ोड़िया और निहित गड़ोड़िया के इशारे पर अपने गुंडा तत्व के साथ 25 से 30 लोगों की संख्या में आकर मेरे आवासीय परिसर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर अवैध तरीके से घुस आए। और सुनिए पीड़िता ने रोते हुए क्या कुछ कहा। नीलू खलखो है, मैं आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। पिछले 2 दिन से मेरे घर के पीछे असामाजिक तत्व के अपराधी लोग अड्डा जमा के बैठे हैं। मैं 2 दिन से चैन की नींद सो नहीं पा रही हूँ, परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। डर के जीना पड़ रहा है, कहाँ से निकले कहाँ से घुसे। घर में बूढ़े माँ बाप है, छोटा बच्चा है मेरा। सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि सुरक्षा प्रदान करे बस, और इन लोग को बस बाहर निकाले घर से हमारे। जब आदिवासी सरकार के होते हुए आदिवासी महिला के हमारे घर पे, आदिवासी लोग के घर पे ऐसा हो रहा है तो फिर हम सरकार से क्या उम्मीद लगा सकते हैं। बस गुहार लगाते कि सपोर्ट करे। तो मेरा नाम डॉक्टर अर्चना नूपुर खलखो है, मैं एक आदिवासी महिला हूँ। मेरा करमटोली चौक पे घर है। मेरा जो घर है उसका आता है उसमें खाता संख्या 35 और हमारा जो प्लॉट नंबर है वो 603, 604 और 606। बात ये हुई सर कि 2 तारीख से को हमारे घर का गेट जो है मेन, वहाँ पे कुछ गुंडे, राकेश राम नाम भी बता दे रही हूँ मैं, वो लोग जबरन ताला तोड़ के घुस गए। गाड़ी 2-3 गाड़ी गई, वो लोग कम से कम पहले 10-12 लोग अंदर घुसे। यहाँ पे घर घुस के पहले वहाँ पे पूरा बैठ के सब तरफ अड्डाबाजी करने लगे। उस टाइम मेरे घर पे बस मेरे बूढ़े माँ बाप थे। मैं खुद अपने कार्यालय के काम से बाहर गई हुई थी, मेरा भाई रांची से बाहर था। घर में सिर्फ बूढ़े माँ बाप थे। शाम में जब आई मैं तो देख रही हूँ यहाँ पे सब गुंडे घुसे हुए हैं। मेरे वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हमने चेक किया, देखा ये लोग दोपहर में 12:30 बजे से ही घुसे हुए हैं। 12:30 बजे से सब लोग यहाँ पे घुस के अड्डाबाजी किए हुए हैं। शाम में तो लगातार सारी ही गाड़ियां वहां पे लग गई थी। मतलब ये लोग का क्या है कि ये लोग ने 2020 में पहले भी, ये राकेश राम और इसके जो बॉस हैं श्रवण गड़ोड़िया, निहित गड़ोड़िया, ये लोग जबरन हमारे घर में भी घुसे थे। मेरे भाई के साथ, मेरे साथ, मेरी माँ के साथ मारपीट कर चुके हैं। इसके खिलाफ में मैंने SC/ST थाना में केस भी किया था उस टाइम। लेकिन उस टाइम से अब तक ना तो हमें थाना से कहीं पे कुछ, हमें कुछ भी वहां पे से कुछ, मतलब हमारे सहयोग में कुछ कुछ नहीं मिला। और अभी 4 साल बाद अचानक से वही गुंडे जिन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की थी, इनफैक्ट उस टाइम इतना मारपीट, कपड़ा सब फाड़ा था मेरा उस टाइम। उसके बाद वही गुंडे फिर से मेरे दरवाजे पे खड़े हैं। हम लोग सबसे पहले गए थे लालपुर थाना के अंडर में आता है, लालपुर थाना में वहां गए हम लोग। वहां पे हमने यहाँ पे ये देखिए अपना लेटर लिखा वहां पे FIR के लिए, लेकिन वहां से हमें कोई सहयोग नहीं मिला। वहां पे पहले वो लोग बिल्कुल हमारा लेटर तक लेने को तैयार नहीं थे। वहां से थाना से मेरे भाई को उसी दिन, कल 2 तारीख को ही SI कोई है वो वहां पे पंकज शर्मा नाम के, उन्होंने वहां से फोन किया कि यहाँ पे जो भी कार्य हो रहा है वहां पे उन लोग को करने दिया जाए, जो भी रोकेगा टोकेगा उन लोग को उल्टा उन लोग पे ही कार्यवाही किया जाएगा। तो यही चीज हम लोग वहां पे गए, वहां पे पहले वो लोग कुछ नहीं सुन रहे थे। उसके बाद फिर हमने वहां पे बंधु तिरकी जो सर हैं उनसे वहां पे फोन में बात करवाई, तब जाके वो लोग ने हमारा ये जो लेटर है वो एक्सेप्ट किया और हमें रिसीविंग दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ वरीय पुलिस अधीक्षक के पास भी गए। ये पुलिस अधीक्षक नहीं थे लेकिन जो पुलिस अधीक्षक थे सिटी एसपी, वहां पे सर मिले हम लोग को। सर ने कहा कि आदिवासी जमीन पे आदिवासी लोग के साथ इतना ज्यादा ऐसे यहाँ पे हो रहा है, ये तो बहुत गलत चीज है। आज के यहाँ पे था कि थोड़ा सा उनका फोर्स जो भी था वो इधर उधर कुछ काम पे अभी लगा हुआ है, वो बोले जैसे ही आता है वो फोर्स हम लोग तुरंत वहां पे भेजेंगे। पीएम रोड शो में लगा हुआ पीएम, हाँ पीएम रोड शो जो चल रहा है वहां पे थोड़ा सा उन लोग बिजी हैं अभी, जैसे ही होगा आप लोग एकदम वहां पे, आप लोग एकदम वहां पे चिंता मत कीजिए। एसपी सर से हम लोग को आश्वासन मिला है, वहां पे एकदम हम लोग की बात सुनी गई और तुरंत हम लोग को वहां पे एसडीओ सर के पास भी भेजा गया कि वहां पे भी रोकथाम के लिए जो भी है यहाँ पे चल रहा है काम उसके लिए वहां पे भी आप बोलिए। तो यहाँ पे हम लोग है कि सिर्फ 3 दिन से यहाँ पे गुंडे हमारे घर में बैठे हुए हैं। हम लोग पूरा यहाँ पे बूढ़े माँ बाप हैं, कुल आदिवासी पे आदिवासी। सोचिए हम लोग पढ़े लिखे आदिवासी हैं, बीच रांची के बीच में इतना हम लोग का जो मेन सेंटर एरिया है वहाँ पे हम लोग के घर में घुस के ऐसे ये लोग यहाँ पे अड्डा जमा के रखे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से कहीं पे से तो भगा ही दिया जाता है, कहीं से थोड़ा बहुत हम लोग को अभी मिला है, लेकिन अभी तक वो गुंडे वहीं पे हैं, कोई उनको अभी तक उनपे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब वही मैं सोच रही हूँ, आदिवासी सरकार है, आदिवासी प्रशासन, बहुत सा प्रशासन में आदिवासी हमारे हैं लोग, लेकिन हम लोग जब इनके बीच में कैसे सेफ हम लोग फील करेंगे। कुछ तो ये हो हमारे ऊपर, कुछ तो यहाँ पे हम लोग के बचाव के लिए, हम लोग के प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो गुहार यही लगाना कि सबसे पहले जो 3 दिन से, आप यू कैन इमेजिन 3 दिन से यहाँ पे एक पुलिस वाला अभी तक यहाँ पे आके किसी से कोई बात नहीं किया है। कम से कम अभी जो ऑलरेडी जो बंदा मेरे से मारपीट कर चुका है, छेड़खानी कर चुका है, उन लोग को यहाँ से पहले हटाया जाए। बिल्कुल भूमाफिया पे कार्रवाई, उनकी गिरफ्तारी। मैं तो बोल रही हूँ आपको, देखिए ये देखिए ये एसटी केस उन पे लगा हुआ है, वो जो राकेश राम और ये श्रवण गड़ोड़िया, ये देखिए श्रवण गड़ोड़िया 2020 में, श्रवण गड़ोड़िया निहित गड़ोड़िया पे 2020 में एसटी केस लगा हुआ है। लिए हम वही चाहते हैं कि जो गुंडे लोग हम लोग के घर पे भी बैठे हैं कम से कम उसे सुरक्षा तो प्रदान किया जाए। हम लोग 2-3 दिन से इसी रास्ते से आना जाना, कितने डर भय के में हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, पूरा भय का माहौल है घर में कि ऑलरेडी जो एक बार मारपीट कर चुका है वो लोग दरवाजे पे बैठा हुआ है। हम लोग को एकदम हम लोग को प्रोटेक्शन चाहिए, सेफ्टी के लिए कुछ हमारे लिए किया जाए। हमें प्रशासन से सबसे पहले हम लोग से यही गुहार लगाते हैं कि हमारी सेफ्टी के लिए, एक आदिवासी महिला हूँ मैं डॉक्टर हूँ, मेरा भाई इंजीनियर है, मेरे पापा खुद गवर्नमेंट सर्विस में इंजीनियर सेवा दिए हुए हैं। हम लोग 75 साल के बुजुर्ग हैं, हम लोग को सबसे पहले यहाँ प्रोटेक्शन के लिए हम लोग बोलते हैं कि इन लोग को भूमाफिया जो है इन लोग को हटाया जाए। हम लोग को सबसे पहले यहाँ से यही आपसे ये मनोहर खालखो है, मैं एक आदिवासी व्यक्ति हूँ। बिहार सरकार से मैं मुख्य अभियंता के रूप में सेवानिवृत्त होकर घर में पढ़ा हुआ हूँ। उम्र मेरा करीब 80 साल होने जा रहा है और घर में अकेले रहने के कारण ये बाहर से गुंडे कुछ लेके आके मेरे जमीन जो है 40 में हमारा रजिस्ट्री किया हुआ है और मेरा रसीद अप टू डेट कट रहा है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व या भूमाफिया लोग के द्वारा उस जमीन में कब्जा करने के लिए डेट अब तो 3 मई तक कटा है, अभी तक कट रहा है 2024 तक का अपडेटेड है। तत्व जो हमारे घर में घुसे हुए हैं उनसे हम लोग को कुछ खतरा का एहसास हो रहा है। कभी भी हम लोग साथ कुछ अनहोनी करे, सुरक्षा किया जाए, उन लोग को यहाँ से इमीडिएटली हटाया जाए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।